यो आकाशवाणी जम्मू है, मोहम्मद अकरम चौधरी ते खबर सुनो। आज बाद दोपहर 5 राफेल जंगी जहाजा की पहली खेप अंबाला हवाई ठिकाना पर पुजाई है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने राफेल लड़ाकू जहाजा का पुजन पर खुशी को इजहार करता वहां क्यों ऐ जे इन भारतीय फिजाया की लड़न की सलाहियत ना तकवीत मिलाई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने मुतलका अहदेदारा ना हदायत जारी की है जे वे सरहदी इलाका में तिबी सलाहियत और तिबी बुनियादी ढांचा में बेहतरी ले आवें। सऊदी अरब में आलमी सतह पर कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र सिर्फ 1000 हाजी हज गो फरीजो अदा कर सकेगा तय हज अज ते शुरू हो गयो है। खबरों की तफसील नाल पहला अब्दुल मजीद। पंज राफेल जंगी जहाजों की पहली खेप आज बाद दोपहर अंबाला हवाई ठिकाना पर उतर गई है। इनमें त्रै जहाज एक सीट आला है जबकि दो सीटा आला जंगी जहाज हैं जिन्ना हरियाणा का अंबाला हवाई ठिकाना पर भारतीय फिजाइया में शामिल कर लियो जेगो। फ्रांस की हवाबाजी कंपनी डिजाल्ट की तरफों बनाया गया इन जंगी जहाजा ना सोमवार ना जनूबी फ्रांस का बोर्डेक्स मा मेरिनेक हवाई ठिकाना ते आने गयो। या पांच जंगी जहाजा की खेप 2016 मा भारत ते फ्रांस की सरकार बिष्कार छिती राफेल जंगी जहाजा का 9000 करोड़ रुपया का सौदा का एक हिस्सा का तौर पर आनी गई है। राफेल जहाज बख बख भारतीय खासियत आली तरामीम नाल लैस हैं जिनमें 10 घंटे की प्रवास का डाटा की रिकॉर्डिंग जैमर रेडार बारे खबरदार होने की जानकारी मसूल होनो इजरायली तहफजाती अफजाइज वगैरह शामिल हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि जंगी तैयारा भारत की फौज की तारीख में नवी अलामत वेंगा। उन्होंने कहा जे वे मुल्क जेड़ा मारी कौमी सालमियत ना धमकी देनो चाहे ना फिक्रमंद होना चाहिए। राफेल हवाई जंगी जहाजा का पूजन पर खुशी को इजहार करता हुआ जनाब सिंह ने कहा जे वे बहुत ज्यादा खुश हैं कि भारतीय फजाइया की लड़न की सलाहियत में इजाफा हुआ है ते तकवीत मिली है। वजीर दिफा ने मजीद कहा जे ये तैयारा बहुत अच्छी उड़ान की सलाहियत रखें ते इसकी हथियार राडार ते दूजी बरकी जंगी सलाहियत दुनिया में बेहतर सलाहियतों बिचों एक है। ये तैयारा भारत में पुजन नाल भारतीय फजाइया मजीद मजबूत हो गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने कल जम्मू स्मार्ट सिटी स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ते जम्मू स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चार दूजा कम्मा को इलेक्ट्रॉनिक जरिए नाल इफ्तिताह कियो। इस मौके पर मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा, चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम, कारकोठा ते शहरी तरक्की महकमा का प्रिंसिपल सेक्रेटरी धीरज गुप्ता भी मौजूद था। जम्मू स्मार्ट सिटी स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक सरकारी ते निजी तौर पर ICICI अकादमी बराए हुनरमंदी का इश्तराक नाल शुरू कियो गयो है जिसके तहत 250 नौजवानों का हुनर न तरक्की दे गए हर साल रोजगार मुहैया कराने पर जोर दितो जाए ते इस सिलसिला में इजाफा कर गए हर साल 1000 नौजवानों ना बख बख हुनर की तरबियत दे गए रोजगार दितो जाएगो। तरबियत हासिल करने वाला उम्मीदवार ना मुफ्त खानो वर्दी ते तरबियत के मुतलक दूजो सामान मुहैया करायो जाएगो। एलजी मसूफ ने जम्मू स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चार दूजा प्रोजेक्टा को भी इलेक्ट्रॉनिक जराय संग इफ्तिताह कियो जिनमें डोगरा चौक ते केसी चौक तक फ्लाई ओवर के तले स्मार्ट वर्टिकल गार्डन यानी बख नोयत का बगीचा को काम शामिल है जिस पर 4.5 करोड़ रुपया लागत आवेगी। एलजी ने जम्मू शहर ना खूबसूरत बनाने का काम में पेशरफ्त को जायजो भी लियो। सूबाई कमिश्नर जम्मू संजीव वर्मा ने एलजी मसूफ ना दस्यो जे सरकारी महकमा ते दूजी म्युनिसिपल कारपोरेशन की तरफ चाया गया इकदाम के तहत बहुत सारा काम हाथ में लिया गया था ते मुकम्मल भी किया गया जिनमें सफाई मुहिम यात्री निवास की हालत सुधारण ते विक्रम चौक का फ्लाई ओवर को काम शामिल है। 13 अगस्त 2020 ना मुकम्मल होने वाली बूटा लाने की मुहिम में कुल 1200 बूटा बख बख वाड़ा में लाया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सड़क अवामी जगह ते शहर का बाजारा ते तजावजात हटाने वास्ते भी हदायत जारी की। एलजी मसूफ ने मुतलका अहदेदारा ना हदायत जारी की जे सरहदी इलाका में तिबी बुनियादी ढांचा की सलाहियत में बादो करता मां मुकर्रा वक्त मां इन इलाका में जरूरी एशिया पुजान ते तिबी अमला की दस्तियाबी न यकीनी बनायो जे।
गुजस्ता रोज राजभवन जम्मू में सुंदरबनी राजौरी ते आयो एक वफद लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू नाल मुलाकी हुओ। इस वफद की सरबराई ब्लॉक तरक्याती कौंसल का चेयरमैन अरुण कुमार कर रहा था। इस वफद ने बख बख मसाइल गवर्नर मौसूफ के बांधे रखा, जिनमा सब जिला हस्पताल सुंदरबनी में ब्लड बैंक कायम करनो, ग्रिड स्टेशन स्योट ना अमल में आनो, थंग्यूरियोट में फिल्ट्रेशन प्लांट यानी पानी साफ करन को प्लांट नसब करनो, डिग्री कॉलेज ठंडा पानी का तमीराती काम में तेजी लियान के नाल नाल चल रहा दूजा सड़क मनसूबा ना बधानो शामिल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मौसूफ ने वफद का मैंबर नाल गलबात की ते उन्ना उनका जायज मसाइल ना तौला नमेड़न की यकीन दहानी दिती। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने राजभवन जम्मू का आहता मा सबज सनोबर का निका बूटा लागे वन महोत्सव का मौका पर यादगारी तकरीब को इनकार कियो। इस मौका पर महकमा जंगलात ते माहौलियात की कमीशन सेक्रेटरी सरिता चौहान ते दीगर आला अफसरान भी मौजूद था। इस मौका पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मार्च 2020 में मुकम्मल होने वाली एक दस्तावेजी फिल्म ते किताब चो ग्रीन जेएंडके ड्राइव यानी सबज जम्मू कश्मीर मुहिम गाना नाल जारी कियो। उन्होंने जंगलात ना गैरकानूनी तरीका नाल कटन, गैरकानूनी तौर पर जंगलात की अराजी पर कब्जा करन, अग इंसानी हैवानी ते कुदरती आफात ते बचान की खातर अवाम की हिस्सेदारी न बदान वास्ते एक जंगलात का तहफ़ बारे मोबाइल ऐप पहरेदार भी शुरू की। गवर्नर मसूफ ने जम्मू कश्मीर में सब्ज सोना ना बचान की जरूरत पर जोर पायो। उन्होंने महकमा जंगलात ना हदायत दी जे वे जंगलात ना बचान वास्ते सख्ती नाल कम करें। गोजरी में जी खबर तम आकाशवाणी जम्मू ते सुन रहे हैं। खबर का बाकी हिस्सा नाल मोहम्मद अकरम चौधरी। आलमी सतह पर कोरोना वायरस का फैलन की वजह से इस साल सिर्फ 1,000 हाजी हज गुफरीजो अदा कर सकेगा। तो सऊदी अरब में इस साल 30% सऊदी शहरी जबकि 70% दूजा मुल्खों का शहरी जड़ा सऊदी अरब में रह रहा है हज कर सकेगा। तो आज ते हज शुरू हो गयो है। उधमपुर की बख बख मसीता का इमाम साहिबा ने मुसलमाना ते अपील की है जे ईद उल अजहा का मौका विर इंतजामिया की जारी की गई तमाम हदायात विर अमल करता वा करा माँ ही मास्क ला गए समाजी दूरी बना गए नमाज अदा करें। इमाम जामा मस्जिद ईदगाह मोहम्मद सलीम ने ओतगा मुसलमाना ने कहा है जे ईद उल अजहा का मौका विर किसी भी ईदगाह या मस्जिद में लोग इकट्ठा ना वे। इमाम जामा मस्जिद रेलवे स्टेशन उधमपुर मुफ्ती राज अली ने कहा है जे इंतजामिया की तरफों चाया गया इकदाम विर अमल किया जाए क्योंकि ये इकदाम मौलक बीमारी ना फैलन ते रोकन की खातिर चाया गया है। मुल्क में आज कोविड 19 का कुल मरीजों का बल होन गो निशान 10,00,000 ना छून गए नेड़े है। हुन तोड़ी कुल 9,88,029 लोग मुल्क में बल हुआ है और 35,286 शफायाबी पिछला 24 घंटा के दौरान दर्ज हुई है। इस नाल मुल्क में बल होन की शरह फीसद 64.5 तोड़ी जा पुजी है। तैमवात की शरह फिर ते कट गए 2.3% हो गई है। सेहत बारे वजारत ने कहा है जे 48,513 नवा कोविड मामला मुल्क में एक दिन में बांधे आन नाल कोविड मामलों की कुल तादाद 15,31,669 हो गई है। इस वक्त मुल्क में कोविड 19 का मुतरक मामलों की कुल तादाद 5,09,447 है और नाली एक दिन में 768 अमवात भी वाक़ हुई हैं जिन नाल अमवात की कुल तादाद 34,193 हो गई है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदर जी ए मीर ने नायब सदर व सबका वजीर रमन बल्ला गए हमरा आज कटरा को दौरा ला गए। उच्च समाजिक बख बख तबका ने दरपेश आ रही मुश्किल बारे गलबात की। उन्होंने पिट्ठू चांद ते कोड़ांगा पर यात्रा ना ले जान आलांगा मसाइल आले पासे इंतजामिया को ध्यान तलब की है। उसके नाल ही उन्होंने यात्रा विर दारोमदार आला दूजा त्याड़ीदारा की भी गल की। उन्होंने कहा जे ये लोग यात्रा का बंद होने की वजह से परेशान हाल हैं चूंकि इस वजह नाल उनकी रोटी का जरिया को भी नुकसान हो गया है। उन्होंने सरकार से मांग की जे वे इस मौका वर के दौरान उन लोगों को ध्यान रखें जब तक हालात मामूल वर नहीं आ जाता। आखिर में खास खास खबर एक बार फिर। आज बाद दोपहर 5 राफेल जंगी जहाजों की पहली खेप अंबाला हवाई ठिकाना पर पुजाई है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने राफेल लड़ाकू जहाजों का पूजन पर खुशी को इजहार करता मौक है जे इन नाल भारतीय फजाइया की लड़न की सलाहियत ना तकबीयत मिली है। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने मुतलका अहदेदारों ने हदायतें जारी की हैं जे वे सरहदी इलाका में तिब्बी सलाहियत और तिब्बी बुनियादी ढांचा में बेहतरी लियावें।
ते सऊदी अरब में आलमी सतह पर कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र सिर्फ 1000 हाजी हज को फ्रीजो अदा कर सकेगा। ते हज अज शुरू हो गयो है। इसके नाली कुछ खबरों को जो बुलेटिन खत्म हुआ।